कलश यात्रा निकलने के लिए देखने के लिए हमारे कई जो माता हैं, बहनें हैं, हर कोई झंडा लेते हुए यहाँ बैठ चुके हैं। अभी कलश यात्रा कुछ ही पलों में निकलने वाली है, पूजा पाठ हुई है। देखिए आज देख सकते हैं, आज से चालू हो चुका है माँ दुर्गा का नवमी के दिन जिसे चैत पूर्णिमा कहा जाता है। आज के दिन कलश यात्रा उठाई जाती है, शाम को आरती होती है, हर प्रकार को। अपन नाटक खाली कर संजय कुमार दास सर, अपन अश्विनी कुमार पाठी, गिरीश पटेल, अभिन खाती, पशुन खाती, टुकू महंती। हाँ सर, आज हमसे गिरीश भाई जो हमेशा कोई भी प्रोग्राम हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हर काम में आ गया। और नया साल के लिए हम सबको तो अभिनंदन भी देंगे, आज के दिन हमारे हिंदुओं का नया साल भी चालू हो चुका है। तो गिरीश भाई, आज जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में बताइए। और बहुत खुशी की बात है, आज चैत्र शुक्ल वर्ष प्रथम बना है। आज के दिन में अपना हिंदू कहिए या अपना ये नव वर्ष चालू हो रहा है, आज के दिन में नवरात्रि शुरुआत हो रहा है। माँ समलेश्वरी का इस माटी के पावन माटी के ऊपर पे सबको आज शक्ति की आराधना, शक्ति की पूजा करते हैं। और आज से पूरा 9 दिन तक कंटिन्यू ये जो पूजा होगी उसमें माँ का आराधना किया जाता है, माँ की पूजा की जाती है, तथा नवमी के दिन में फिर जोरदार रामनवमी पालन किया जाता है। तो इस शुभ अवसर पर मैं समूहपुर के सब जनसाधारण को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, सबको मैं अपने तरफ से, अपने गोलबिंदर कमेटी की तरफ से सबको धन्यवाद शुभेच्छा देना चाहता हूँ, तथा आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि ये 9 दिन, ये जो अभी पावन पर्व है 9 दिन का नवरात्रि का, इस अवसर पर हम सबको प्रण लेना चाहिए, अपने को मैंने ये करना चाहिए कि कैसे करके अपना धर्म का यहाँ पे मजबूत हो, धर्म की रक्षा हो, अपनी संस्कृति की रक्षा हो, गो हत्या बंद हो, ये सब चीज़ का प्रण लेना चाहिए, तथा ये 9 दिन को अच्छी तरह से पालन करके धर्म को, सनातन धर्म को मजबूत करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने सुना गिरीश भाई भी कहते हैं आप सबको हिंदुओं का नया साल मुबारक हो, और नया साल किस तरह खुशहाली से बीते इसके लिए भी लड़ा जाए, और अपना हिंदू धर्म के लिए हम लोग लड़ते हैं, जान देते हैं, इसे भी बचाया जाए। और यदि आप पूजा पाठ करेंगे आप में हिंदुत्व जागेगी, आप हमेशा आगे रहेंगे। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।